Hello student, we are going to discuss the test number 11 as per your requirement. This is the test number 11, okay? And you are asking doubt 7, 8, 21, 25, 39, 41, okay? So there are only 6 doubt, total numbers jo hai. डाउट्स है वो सिक्स है. सो गुड, आपने अच्छा किया स्कोर, बहुत बढ़िया है, ऐसे ही करते रहिए. तो चलिए देखते हैं सेवन नंबर. सेवन नंबर क्या है? सेवन नंबर क्वेश्चन देखते हैं. कह रहा है कि लेट द डेंसिटी इज द चार डेंसिटी वेरीज एट दिस. ये चार डेंसिटी वेरी कर रहा है क्यू आर बाई पाई आर फोर, यही ना, ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है. दिस इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग्स. ओके, कह रहा है कि फॉर ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर एंड टोटल चार्ज क्यू. टोटल चार्ज क्यू है, टोटल चार्ज क्यू एंड रेडियस आर, ठीक है ना. सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, ठीक है. ओके, नाउ द क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर ए पॉइंट पी इनसाइड द स्फीयर एट ए डिस्टेंस आर वन फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज. बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ी क्वेश्चन नहीं है. डायरेक्ट गॉसियस थ्योरम का एप्लीकेशन है कि जैसे ये जो स्फीयर है तो ये फुल्ली तरह से चार्ज है, ठीक है बच्चों. ये सेंटर है, ये सेंटर से आर वन दूरी पर एक पॉइंट है पी, जहां पर आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई इक्वल टू व्हाट. तो एक काम करो बच्चों, यहां पर एक गॉसियन सरफेस ले लो, ठीक है ना. तो यदि हम देखें तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा तुम्हारा ये के, इसके अंदर चार्ज कितना है के क्यू बाई सो ई डी एस इंटू डी एस का इंटीग्रेशन इक्वल टू वन बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट. तो चार्ज कितना इनक्लोज्ड होगा, तो मान लिया जाए कि यहां से आर पर एक डी आर कंसीडर करते हैं, ये वॉल्यूम डी आर कंसीडर करते हैं डी आर, ठीक है ना. तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दो. सो चार्ज इक्वल टू क्यू आर बाई पाई आर फोर, ये चार्ज डेंसिटी हो गया, और इनटू वॉल्यूम. वॉल्यूम का मतलब कितना हो गया, फोर पाई आर स्क्वायर इनटू डी आर, यही हो गया ना बच्चों. इसका वॉल्यूम हो गया, दिस वॉल्यूम इज फोर पाई आर स्क्वायर इनटू डी आर, और ये आपका चार्ज डेंसिटी हो गया क्यू आर बाई पाई आर फोर, एंड दिस विल बी द इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू आर वन, ठीक है ना बच्चों. सो वन बाई एफ साइलन नॉट, यहां हो जाएगा ई फोर पाई आर वन स्क्वायर, जीरो से आर वन, ठीक है ना, इक्वल टू वन बाई एफ साइलन नॉट टाइम्स. और यहां देखो, यहां ये पाई तो कट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा, ये बाहर चला जाएगा फोर क्यू बाई आर फोर, फोर क्यू बाई आर फोर, फोर क्यू बाई आर फोर, ये बाहर चला गया, देखो फोर क्यू बाई आर फोर बाहर चला गया, और यहाँ आर क्यू बचा. तो आर क्यू का आर फोर बाई फोर होता है इंटीग्रेशन, तो आर वन फोर बाई फोर ये इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है ना. सो यहाँ से आर वन फोर है तो एक तो दो ये कट जाएगा, ये दो कट जाएगा, ये आर वन स्क्वेयर हो जाएगा, ठीक है ना. तो कितना हो गया बच्चों, ई बराबर हो गया, नाउ ई बराबर बोलो तो जरा सा, फोर क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, एक तो फोर यहाँ से काट डालो ये, ठीक है ना. तो यहाँ से हो गया क्यू आर वन स्क्वेयर, क्यू आर वन स्क्वायर बाई, ठीक है ना,
फोर पाई एप्साइलन नॉट आर फोर, फोर पाई एप्साइलन नॉट आर फोर, ठीक है ना, यही होगा ना बच्चों। ठीक है, फिर देख लो इसको, चेक कर लो आंसर। सेवेंथ, क्यू आर वन स्क्वायर, क्यू आर वन स्क्वायर बाई फोर पाई एप्साइलन नॉट आर फोर, बी आंसर होगा, सेवन का सी आंसर दिया हुआ है। क्यू आर वन स्क्वायर बाई फोर पाई, नहीं ये गलत है, सी गलत है, बी आंसर होगा, बी सेवन का बी आंसर होगा। तो इसका आंसर चेंज कर लेना सब, और चेंज करके सेवन का आंसर बी लिख लेना, ठीक है ना, क्लियर है ना, राइट है, चलो ठीक है। नाउ एट, एट क्या होगा ये देखो, ए चार्ज बॉल बी हैविंग फ्रॉम ए सिल्क थ्रेड ए स्विच मेक्स एन एंगल थीटा विथ अ लार्ज चार्ज कंडक्टिंग सीट पी एज शोन इन द फिगर, द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द सीट इज प्रोपोर्शनल टू, मतलब सिग्मा पूछ रहा है कि व्हाट प्रोपोर्शनल टू, ठीक है ना, यही क्वेश्चन है कि दिस इज व्हाट, ठीक है। तो एक काम करो, ये चार्ज सीट है, चार्ज सीट ऐसे ही बनाया जाता है, और ये थीटा एंगल है, ठीक है ना। तो बोलो बच्चों फोर्स बोलो, तो इस पर फोर्स लगेगा इस पर एम जी टेंशन टी एंड हियर ई क्यू चार्ज वॉल, मान लिया क्यू चार्ज है तो ई क्यू, ई क्यू का मतलब हुआ सिग्मा बाई टू एफ साइलेंट नॉट इन टू क्यू, ठीक है ना, क्लियर है। तो यहाँ से लिखो टी, ये तो हो जाएगा टी कॉस थीटा एंड ये हो जाएगा टी साइन थीटा, तो टी साइन थीटा बराबर सिग्मा क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट इक्वेशन वन एंड टी कॉस थीटा बराबर एम जी इक्वेशन टू, दोनों को डिवाइड कर लेगा तुम, वन बाई टू कर लो, तो ये हो गया तुम्हारा, क्या हो गया बच्चों, टेन थीटा बराबर सिग्मा क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट एम जी, ठीक है ना। ये देखो ये सारा चीज तो कांस्टेंट है, तो फिर तुम्हारा सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेन थीटा हो जाएगा, तो टेन थीटा के लिए कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, डी होना चाहिए, सो एट का ऑप्शन डी होगा, सो ऑप्शन इज डी करेक्ट, ठीक है ना। सो नाउ नेक्स्ट 21, ट्वेंटी वन क्वेश्चन क्या है, करेगी इन अर्ली मॉडल फॉर एन एटम कंसीडर्ड इट टू हैव ए पॉजिटिवली चार्ज पॉइंट न्यूक्लियस ऑफ चार्ज जेड एंड सराउंडेड बाय यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी ऑफ निगेटिव चार्ज ऑफ टू ए रेडियस आर, द एटम इज होल इज न्यूट्रल, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द न्यूक्लियस इज, तो आसान है, इसमें से कुछ है नहीं, क्योंकि सवाल बहुत ठीक है, इस तरह के सवाल आ सकते हैं, ठीक है। देखो तो जैसे मान लिया ये एटम है, तो यहाँ पर सेंटर पर तो चार्ज है JD, सही है, प्लस बाकी चार्जेस तो फैले हुई है ना पूरे, तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, ये कौन सा क्वेश्चन था 21, तो रो बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, रो बराबर तो टोटल चार्ज, देखो इधर पहले नेगेटिव चार्ज की बात करो, ओनली फॉर नेगेटिव चार्ज, ओनली फॉर निगेटिव चार्ज रो बराबर, रो बराबर बोलो तो हो जाएगा जेड ई बाई जेड ई बाई फोर बाई थ्री पाई आर क्यू, यही होगा ना, ठीक है। तो कितना हो गया, थ्री जेड ई बाई फोर पाई आर क्यू, ठीक है,
थ्री जे डी बाई फोर पाई आर क्यूब, ये नेगेटिव चार्ज डेंसिटी हुआ, दिस इज द नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ तक इस तरह से नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो मान लिया जाए आपसे पूछ रहा है कि आप हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए कितने डिस्टेंस पर, आर पे निकालिए। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम न्यूक्लियस इज आर इज ग्रेटर देन आर, तब तो जीरो हो जाएगा यार, आर इज लेस देन आर होना चाहिए इस प्रॉब्लम में, क्योंकि यदि आर इज ग्रेटर देन आर पर लेंगे तब तो जीरो हो जाएगा ये, आर इज लेस देन आर होगा 21 में। यहाँ पर करेक्शन है, करेक्शन इन क्वेश्चन कि आर इज लेस देन आर तब जाके बात बनेगी, यहाँ पर आर होना चाहिए, ये आर होना चाहिए तब जाके आपकी बात बनेगी, तब ये गॉसियन सरफेस हो गया। ठीक है ना, और तब जाके आप कहेंगे कि द टोटल फ्लक्स ई इन टू फोर पाई आर स्क्वायर बराबर वन बाई एफ साइलन नॉट टाइम्स, कितना चार्ज होगा, तो चार्ज हो जाएगा रो इन टू जेडी माइनस रो इन टू फोर बाई थ्री पाई आर क्यू, ठीक है ना, क्योंकि टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा तो जेडी सेंटर पर है और वहाँ तक के लिए ये हो जाएगा आपका निगेटिव चार्ज, तो उसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा ई इन टू बराबर वन बाई फोर पाई एफ साइलन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा जेडी माइनस फोर बाई थ्री पाई आर क्यू, और ये डेंसिटी क्या हो जाएगा, डेंसिटी हो जाएगा आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, कितना निकाले थे, थ्री जे डी बाई फोर पाई आर क्यू, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आप देख लीजिए, तो एक तरह से ये आप हो, ये फोर पाई और ये फोर पाई और ये आर क्यू और ये आर क्यू गया, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा वन बाई फोर पाई एफ साइलन नॉट आर स्क्वायर इंटू ये जे डी बाई आर स्क्वायर कर लीजिए ना, जे डी बाई आर स्क्वायर कर लीजिए माइनस, ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये थ्री भी कट गया है, सो जे डी बाई ये फोर बाई थ्री पाई कैपिटल आर क्यू होगा ना, कैपिटल आर क्यू होगा, तो ये बच जाएगा। तो जब ये आर स्क्वायर जाएगा तो जेड ई तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक आर बच जाएगा, यहाँ पर एक आर बच जाएगा और यहाँ हो जाएगा कैपिटल आर क्यू, सही है ना, राइट है ना, सही है। तो अब चेक करिए, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए 21 का, जे डी बाई फोर पाई एफ साइलेंट नॉट, ठीक है, वन बाई आर स्क्वायर माइनस आर बाई आर क्यू, ये ए ऑप्शन हो जाएगा इसका, 21 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो प्रॉब्लम में केवल सुधार ये है कि आर इज लेस देन आर होगा और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो इसका आंसर जीरो हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए प्रॉब्लम में करेक्शन इन क्वेश्चन होना चाहिए, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कि करेक्शन इन क्वेश्चन होना चाहिए आर लेस देन आर, ठीक है ना, तो वो टाइपिंग मिस्टेक होगा, वो प्रॉब्लम अच्छी जगह का है तो गलत नहीं हो सकता, टाइपिंग मिस्टेक होगा, ठीक है ना, थैंक यू। आगे देखो,
25 हो गया, ठीक है, 21 हो गया, 25 पर आते हैं। 25 में कह रहा है कि ए कप कॉन्टेंस 250 ग्राम वाटर, फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द कप। 250 ग्राम वाटर है तो इसमें कितना मोलेक्यूल हो जाएगा ये देख लिया जाए। वाटर के एक मोलेक्यूल में कितने चार्ज हैं? H2O होता है ना, तो दो यहाँ पॉजिटिव है, 2e, और ये 8 होता है ना, 8 होता है ऑक्सीजन का, 8 होता है, तो 8 होता है तो ये आपका 8 और 2, 10, 10 ही हो जाएगा, 10 ही हो जाएगा, इतना चार्ज होगा वन मोलेकुल्स के पास, ठीक है ना। तो वन मोलेकुल्स के पास चार्ज इतना हो जाएगा, ठीक है, राइट है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इतने ग्राम में, 250 ग्राम में कितना होगा। तो H2O होता है 2 और 8, 10 होता है ना, नहीं 2 होगा और 16 दो 18, एटॉमिक वेट पर बात करें तो 18 ग्राम में कितने मोलेकुल्स होते हैं, इतने होते हैं 6.023 गुने 10^23, ठीक है ना, 18 ग्राम में होते हैं, ठीक है। तो फिर कितने हो जाएंगे बच्चों, कितना ग्राम है जी, 250 ग्राम में हो जाएंगे 6.023 गुने 10^23 बाई 18 गुने 250 गुने 18e, यही हो जाएगा ना, ये दिस विल बी द आंसर। अब इसको देख लीजिए आप आराम से, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये देख लीजिए कितना हो जाएगा, ये सब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आफ्टर द कैलकुलेशन आंसर विल बी कम आउट। सो थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा हमको। सो यहाँ से हो जाएगा आंसर 6.023 गुने 250 बराबर दिस गुने 18, ठीक है, गुने 1.6, तो बराबर इतना आ गया, और इतना को डिवाइड किए, डिवाइडेड बाई 18, तो बराबर 2409.2 आ गया, 2409.2 आ गया, और गुने आ गया, ठीक है ना, गुने आ गया 10^23 गुने, ये तो 18 कट गया था ना जी, तो कितना हो जाएगा, ये 1.6 हो गया, 10^-19, तो कितना हो गया 2409.2 गुने 19 और 4 हो गया ना, 4 10^4। अब इसका आंसर चेक करिए, 2.4, ठीक है, 2.4 पर आ गया, और 10^7 हो जाएगा, 1, 2, 3 ठीक तो है, तो बराबर 2.4 गुने 10^7 सही तो है। तो आंसर कितना आएगा इसका, इसका डी आंसर आ जाएगा, 25 का डी, ये आंसर चेंज हो जाएगा, ये डी आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है बच्चों, ठीक है, राइट है। नाउ द नेक्स्ट थिंग्स 39 एंड 41, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो 39 क्या हो गया बच्चों,
इसमें पूछ रहा है कि ये ए और बी दो पॉइंट है, तो कह रहा है इन द अरेंजमेंट कैपेसिटेंस ईच कैपेसिटर इज 9 माइक्रोफेराड देन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो ठीक है ना, इसको एक काम करो ना, ऐसे कर लो, ये ऐसे हो जाएगा और ये दोनों के बीच में चला जाएगा। सही है, ऐसे ही जाएगा ये इसका इक्विवेलेंट फिगर इस तरह से बन जाएगा, ये ए से चला, ठीक है, इसमें दो कैपेसिटर आ गया ए और बी, इसमें दो कैपेसिटर आ गया, ये में इसमें दो कैपेसिटर आ गया, ठीक है, दो कैपेसिटर आ गया, ठीक है, एक कैपेसिटर यहां लग जाएगा, ठीक है ना, और एक कैपेसिटर देखिए यहां से सीधे यहां है, मतलब यहां से यहां आ जाएगा। अब इसका देख लेते हैं कितना होगा, ईच कैपेसिटर कितना है, 9 है, सी 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 एंड सी, तो कितना हो गया, ये दोनों का हो गया 2C, और ये 2C और C का कितना हो गया, 1/2C प्लस 1/C बराबर 1/2C प्लस 1/C बराबर 2C 1 + 2 3/2C, सो सी इक्विवेलेंट इक्वल टू 2C/3, और 2C/3 को फिर इसके साथ करोगे, सो देन सी नेट इक्वल टू 2C/3 प्लस सी, कितना हो गया 5C/3, तो 5 और सी है कितना 9 है ना, तो 9/3, ये 3 कट गया, 15 आएगा इसका, 15 माइक्रोफेराड, देखो तो 15 माइक्रोफेराड, 15 माइक्रोन, 39 का डी होगा, ये सही है, करेक्ट है, करेक्ट सवाल है, ठीक है ना, द फिगर कैन बी चेंज, ठीक है। चार डिस्ट्रीब्यूशन से भी बना सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, और कुछ नहीं, कैलकुलेशन बढ़ जाता है चार डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से, चार डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से कैलकुलेशन बढ़ जाता है, उससे भी आप बना सकते हैं इस प्रॉब्लम को, ठीक है ना। सो 41 कह रहा है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ए चार्ज स्फेरिकल बॉल इज गिवेन एज आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट, देन चार्ज डेंसिटी इनसाइड द बॉल इज, क्या होगा ये, द चार्ज डेंसिटी इनसाइड द बॉल इज, ये फाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है यहां से आर दूरी पर, यहां पोटेंशियल भी है, ठीक है, तो मान लिया जाए वी कैन बी रिटेन एच, वी कैन बी रिटेन एच, क्या लिखे, वी ए आर स्क्वायर प्लस बी, ए आर स्क्वायर प्लस बी, ठीक है ना, ठीक है, तो यदि हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें आर की डायरेक्शन में, सो ई आर इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल आर, ये होता है ना, तो जरा देखो तो ई आर बराबर माइनस ऑफ डेल वी बाई डेल आर, डेल वी बाई डेल आर कितना होगा 2 AR, 2 AR प्लस 0, सही है, मतलब ई आर बराबर माइनस 2 AR हो जाएगा। तो यदि हम फ्लक्स लेना चाहें, सो फ्लक्स यदि हम इसका लें, इसका फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर फाई, तो फाई कैन बी रिटेन एज ई आर 4πr², ठीक है ना, बराबर 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड, मान लिया रो इज द चार्ज डेंसिटी, सो रो इंटू 4πr², ठीक है ना, ये आएगा आपका, सो ER माइनस 2 AR है, तो माइनस 2 AR
ठीक है, माइनस टू ए आर है, सो दिस विल बी द माइनस टू ए आर फोर पाई आर स्क्वायर बराबर वन बाई एप्सिलॉन नॉट रो फोर पाई आर स्क्वायर। तो ये फोर पाई आर स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से ये हो जाएगा माइनस टू ए आर एप्सिलॉन नॉट, ये आना चाहिए आंसर। देखते हैं 41 का, माइनस टू ए आर एप्सिलॉन नॉट, टू ए आर एप्सिलॉन नॉट गलत है। देन द चार्ज डेंसिटी इनसाइड द वॉल्यूम इज, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ ए चार्ज स्फेरिकल बॉल इज गिवेन एज फाई इक्वल टू ए आर स्क्वायर प्लस बी, ठीक तो लिखे हैं। एंड वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ए बी आर, देन चार्ज डेंसिटी इनसाइड द बॉल इज, चार्ज डेंसिटी कितना है, तो सही लिखे हैं वी बराबर ए आर स्क्वायर प्लस बी, ये कही रहा है। तो यहाँ ई आर बाई डेल आर माइनस डेल वी बाई डेल आर हो गया, तो माइनस डेल वी बाई डेल आर करेंगे इसको, तो इसको टू ए आर सही है लिखे हैं प्लस जीरो, एकदम सही है। ई आर इक्वल टू माइनस टू ए आर एकदम करेक्ट है। सो नाउ फ्लक्स यदि निकालना है उसका, तो हर जगह आर ई आर तो सेम होगा, तो ई आर इंटू फोर पाई आर स्क्वायर सही है, इक्वल टू वन बाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज इनक्लोज बाई दैट सरफेस, चार्ज इनक्लोज कितना होगा, तो रो ओ हो यहाँ पर फोर बाई थ्री पाई आर क्यू हो जाएगा ना, सही है, थोड़ा सा गड़बड़ा गया था। सो माइनस टू ए आर इंटू फोर पाई आर स्क्वायर इंटू फोर बाई थ्री पाई आर क्यू, तो यहाँ एक आर बच जाएगा, एक आर बच जाएगा, तो हो जाएगा माइनस टू ए आर, टू ए आर नहीं सिक्स ए आर, सिक्स ए आर एप्सिलॉन नॉट यहाँ से कट जाएगा, एक आर तो कट जाएगा, तो सिक्स ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, आर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, सिक्स ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये सी हो जाएगा, 41 का सी सही तो है, क्योंकि ये भी आर कट जाएगा ना, तो सिक्स एफ साइलेंट नॉट सी, ठीक है, सी आंसर होगा इसका, आंसर सी होगा, ठीक है ना, राइट है। सो नाउ डिस्कशन इज ओवर एंड थैंकिंग यू।